सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल अगेन। इट्स एवरी बॉन्साई हियर। आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि मैं अपने बॉन्साई रेस्मोसा जो होता है उसको मैं कैसे ग्रो करता हूँ, वो भी इतना फास्ट इतना जल्दी कैसे हो जाता है। आज मैं उसको आपका ट्रिक दिखाने वाला हूँ। तो आइए चलिए मेरे छोटे मोटे से गार्डन में जो मेरे घर के बाजू में है, तो मैं कैसे ग्रो करता हूँ मैं आपको दिखा देता हूँ, चलिए। सो गाइज, ये रहा मेरा रेस्मोसा का एक प्लांट जिसको मैंने ज़मीन में लगा दिया है। जी हाँ, तो आप भी ऐसा चाहे तो आप ज़मीन में लगा सकते हो। अगर आपके पास ज़मीन नहीं है थोड़ा सा भी, तो आप अपने कॉलोनी के परमिशन ले सकते हो और कॉलोनी के किसी साइड में आप ग्रो कर सकते हो। अगर नहीं है तो एक बड़े साइज़ का पॉट ले सकते हो। और यहाँ पे देखिए, मैंने अपने इस पॉट के नीचे छेद किए थे और जस्ट मैंने यहाँ पर रखा था, तो इसके रूट्स हैं अंदर चले गए हैं, तो ये भी धीरे धीरे लंबा हो रहा है। मैं आइए आपको और दिखाता हूँ। ये रहा मेरा एक और रेस्मोसा का प्लांट। ये भी करीबन 3 से 4 महीने में, मतलब मानसून के टाइम पे मैंने इसको लगाया था। वो इतना छोटा था, सीडलिंग था। अभी देखिए कम से कम 3 से 4 फुट का हो गया है। तो गाइज, इसका रीज़न ये है कि ये इसका जो स्टेम है बहुत जल्दी मोटा हो जाता है और यहाँ पे बहुत सारे छोटे छोटे इसके नए नए शूट्स आते हैं, जिसकी वजह से ये शूट्स भी लंबे होते हैं, जिसकी वजह से स्टेम के अंदर और इसके ट्रंक के अंदर और भी ज़्यादा डिटेलिंग आ जाता है। जब आप इस स्टेम को कट करते हो तो एक मोटा सा निशान रह जाता है जो हमारे ट्री को और भी ज़्यादा ओल्ड लुक देता है। तो गाइज, यहाँ पर एक और है जो मैंने इसको भी बोतल के साथ रखा था और इसके भी रूट्स अंदर चले गए, आप देख सकते हो। सो गाइज, आप ऐसे ज़मीन में या बड़े पॉट के अंदर 1 साल तक अपने प्लांट को रहने दीजिए, जब तक वो थोड़ा इतना मोटा ना हो जाए। उसके बाद मानसून सीजन पे ही, सिर्फ मानसून सीजन में उसको आप बाहर निकालिए, जबकि वो इतना मोटा हो जाना चाहिए। तो जब वो इतना मोटा हो जाए तो मानसून सीजन में उसको बाहर निकालिए और एक अच्छे से पॉट के अंदर मिट्टी लगा के उसको रखिए। तो मानसून सीजन की वजह से क्या होता है कि आपका जो ट्री होता है वो मरता नहीं है, और ना मरने की वजह से उसके रूट्स अंदर डेवलप हो जाते हैं बहुत अच्छे से। तो ऐसा नहीं कि आपको कट करके निकालना है, आपको निकालना है थोड़ा रूट के समेत, यानी थोड़ा बहुत रूट होना चाहिए अच्छा खासा, ताकि वो सर्वाइव कर सके। तो जैसे ही मैं आपको दिखाता हूँ, 1 सेकेंड। सो गाइस, आप यहाँ पर देख सकते हैं इस प्लांट के ऊपर शूटिंग भी स्टार्ट हो गया है, इसके नए नए इसके शूट्स आ रहे हैं। आप यहाँ पर देख सकते हो पत्ते डेवलप हो गए हैं इसके अंदर। मैं 1 सेकेंड दिखा देता हूँ आपको, ये देखिए आप। तो मैंने इसको लगाया था मानसून में, अभी मानसून ख़त्म हुए हैं सिर्फ 2 महीने, और 2 महीने के अंदर इसके रूट्स भी डेवलप हो गए हैं इसके अंदर और इसके पत्ते भी आ गए हैं। सो गाइस, जैसे ये आपका 1 साल का होगा, तो 1 साल के बाद आपका ट्री कुछ इस तरह दिखने लगेगा। जी हाँ गाइस, इसके जो सारे शूट्स हैं वो लंबे हो गए हैं। आप इसको छाँव में रख सकते हो 1-2 महीने तक, उसके बाद धूप में रखिए, ताकि इसके जो स्टेम हैं ये अच्छे से मोटे हो जाए यहाँ से, और बहुत सारे स्टेम लंबे लंबे हो जाए। सो गाइस, आप इसको 1 साल तक रखना, देखिए इसका स्टेम भी अच्छे से डेवलप हो जाएगा, क्योंकि इसके रूट्स नीचे अच्छे से डेवलप हो जाएंगे और मोटे हो जाएंगे, तो अपना जो बॉन्साई है वो स्टेबल हो जाएगा और अच्छे से ग्रो कर पाएगा। आई होप आपको अच्छे से दिख रहा हो ये पेड़। सो गाइस, जैसे ही ये ब्रांचेज आपके हिसाब से, मतलब आपके डिज़ायर शेप के हिसाब से मोटा हो जाए, या तो हम चाहे तो अभी भी काट सकते, बट हम नहीं काटेंगे इसको और मोटा होने देंगे, क्योंकि ये और भी लंबा होगा और मोटा होने देंगे। उसके बाद धीरे से या तो यहाँ से हम कट कर देंगे, ताकि यहाँ से और भी ज़्यादा शूट्स आएँ। सो गाइज, ये था हमारे बॉन्साई का 3rd स्टेज। तो अभी हम चलते हैं उसके लास्ट स्टेज। जैसे ही आप यहाँ से कट करोगे और उसके नए शूट्स आ जाएंगे, तो आप अपने बॉन्साई को स्मॉल पॉट में शिफ्ट कर सकते हैं, और उसके बाद हमारा बॉन्साई बन जाएगा कुछ इस तरह। सो गाइज, देखिए अपना जो बॉन्साई है, इसको आपने पहले भी देखा हुआ है। सो आपका बॉन्साई ऑलमोस्ट अपने 4th स्टेज पर आ जाएगा और रेडी होने आ जाएगा। फिर आपके जो अपने कट किए हुए थे, कट किए हुए पे छोटे छोटे इसके शूट्स आ जाएंगे, और ये शूट्स जब बड़े होंगे और घना हो जाएगा पूरा पेड़, तो आपका बॉन्साई एक ऑलमोस्ट रेडी हो जाएगा। सो गाइज, ऐसे मैं अपने बॉन्साई रेस्मोसा को बड़ा करता हूँ। कम से कम 3 साल के अंदर मेरा बॉन्साई अच्छा खासा शेप ले लेता है इस तरीके से। सो अगर आपके पास भी थोड़ा मोड़ा ज़मीन है तो आप उस पर ग्रो करिए, और अगर ज़मीन नहीं है तो आप एक बड़े पॉट से स्टार्ट कीजिए। बड़े पॉट से क्या होगा कि 1 साल के अंदर आपका बॉन्साई काफ़ी मोटा हो जाएगा। तो इस तरीके से मैं अपना बॉन्साई ग्रो करता हूँ। गाइज, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, तो इसी तरह हमारा चैनल ग्रो होता रहेगा। ये है मेरा घर और नीचे मेरे छोटे मोटे बॉन्साई। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग।